गुणो भाई वे गोरी गला हां जी अबड़ वीडियो वो हां जी अबड़ वीडियो नीर दबा दबा के बोल रहे हैं हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यूर गाइस फाइन एब्सोल्युटली वेल। और आज का व्लॉग पहाड़ियों के बीच में से स्टार्ट हो रहा है। कितना बढ़िया लग रहा है, और देखो भाई पहाड़ी वेदर बहुत ही प्यारा प्यारा लग रहा है। सन भी बहुत ही अच्छे से आ गया है। और आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है बद्रीनाथ। सो आज हम जाने वाले हैं बद्रीनाथ दर्शन के लिए। वहाँ पे महादेव का टेम्पल है, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमने आधा रास्ता तो रात को काट दिया था, लेकिन रात का व्यू मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा बहुत लिया है रास्ते का। और जो अभी से शुरू होगा, स्टार्ट होगा, थोड़ा थोड़ा मैं लेती जाऊँगी और दिखाती जाऊँगी कैसे रास्ते हैं कैसा नहीं है। सो उससे पहले मैं दिखाऊँ, उससे पहले आप रात का जो रोड की क्लिप है ना वो देख लीजिए। तब तक हम निकलते हैं और फिर आगे से शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। सो सबसे पहले मैं सबको भी गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ। सब लोग गए हैं सामान इकट्ठा करने के लिए, सबका सामान लेने के लिए, निकालने के लिए, क्योंकि तो बारी बारी रूफ में जो जो सपरी बांधी है ना ऊपर, सब बारी बारी निकालनी पड़ती है कपड़े के लिए। सो अभी सब लोग थोड़ा थोड़ा जो बैग है ना पीछे पहनने वाली उसमें ले लेंगे, और बाकी के कपड़े रख देंगे रूफ में। सो अभी कंटिन्यू व्लॉग में एंड तक रहना। हम लोग बहुत जल्दी अभी यहाँ से निकलने वाले हैं बद्रीनाथ। सो आपको बद्रीनाथ का भी दर्शन करवाऊंगी। सो बी कंटिन्यू व्लॉग में एंड तक रहना, एंड हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करना। एंड चलिए अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। लास्ट टाइम मत छूटो। अब ये वाली पेंटिंग ये है पहाड़, बड़े बड़े पहाड़। हम दो तीन दिन से पहाड़ियों में घूम रहे हैं, जैसे कि अभी आपको ये पहाड़ दिख रहा है। सो ये है पहाड़ी वेदर, बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम। सुबह सुबह इतना ठंडा ठंडा लग रहा है। सो क्या बताऊँ मैं, इधर मस्त वेदर है। सो हम निकलेंगे। सो ये बस आ रही है ना, हम उस रास्ते पे जाएंगे। बहुत ही टफ रास्ता है अभी पहाड़ियों में, तो हम वहाँ पे जाएंगे, उस रास्ते से जाएंगे बद्रीनाथ में। वेदर देखो, बादल पूरे माउंटेन के ऊपर ही है। बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है। ठंडे ठंडे पानी से गाड़ी को नहला रहे हैं अभी। ले तो रूप फेना निकली है। ये जॉग ले लेना से भर ले। हमारे आया है ना, रे नहीं मारो नीचे उतर जाएगा पानी। और महादेव बम बम बोले, बम बम बोले। और बोलो भी जा, चालू करो चालू करो। बद्रीनाथ नी जय, उर्देवी मानी जय, मां समुंडा नी जय, मां सिद्धि नी जय, मां गुरुदेवी नी जय, कोडियल मानी जय, अंबा मानी जय, जलाराम बापा नी जय, साईं बापा नी जय, गणपति बापा गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया। लाल फूल पीड़ू फूल ब्यूटीफुल। सभी हम लोग निकल गए हैं ब्यूटीफुल पहाड़ों में, मॉर्निंग में बड़े बड़े माउंटेन के साथ निकल गए हैं हम। सो यहाँ का नजारा कुछ अलग ही है। विनोद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? माउंटेन व्यू माउंट बाइक
માઉન્ટેન ન્યુ પડેલેની છોડવાનો હતો તો થોડીક એનર્જી આવતી સર પાસિંગ બાજુ યુકેનો પાસિંગમાં ગુજરાતી સીતારામ હા યુકેનો પાસિંગમાં બાપા સીતારામ ટ્રાવેલ तो भाई अभी हम बहुत ही ज़्यादा जो ट्रिकी वाले रास्ते थे ना उसमें से निकल आए हैं। अभी ये ना रोड अच्छा आ गया है। रात को इतना ज़्यादा भयानक रास्ते आए थे कि क्या बताएं। अच्छा हुआ रात को हमने थोड़ा बहुत ज़्यादा इतना अच्छे से हमने ट्रैवल करके रात को अच्छा हुआ गाड़ी को खींच ली, ताकि जो भयानक रास्ते थे वो रात को थोड़ा काट लिया और अभी अच्छा रास्ता आ गया। अगर वो रास्ता नहीं काटा होता तो अभी तक हम वहाँ पर होते और इस रास्ते पर नहीं आते होंगे। तो अच्छी बात है हमारे लिए रात को इतना ज़्यादा रास्ता हमने काट दिया। ભાઈ મોબાઈલ પડી જાય તો જવાબદારી અમારી નહી હો ભાઈ કાર્તા तो भाई काफ़ी ट्रैवल करके आगे निकल आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा विलेज दिख रहा है। बहुत ही अच्छा विलेज दिख रहा है। इतना अच्छा विलेज मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा है, वो भी पहाड़ों के बीच में। सो आज जाके मुझे पता चला कि इतना ज़्यादा अच्छा विलेज होता है। सो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ना कभी भी इतना ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं किया था, तो आज जाके मुझे पता चला कि गांव से हम बाहर निकले ना तो काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत शहर है, तो देखने जैसा है, देखने के लिए निकलना चाहिए। मेरे जैसे कितने सारे ऐसे लोग होंगे कि नहीं देखा होगा, तो आप सब भी निकलो और देखो, जाइए अपने फैमिली के साथ, टूर कीजिए ताकि पता चले आप लोगों को। और हमने बोलता है कि ना बोलता है બિંગુલ હાકર વરવું ડી જઈ તો ખાલી વાયર વરવું So guys, finally, हम लोग आ गए अभी बद्रीनाथ पे और यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा माउंटेन दिख रहा है और बर्फ भी दिख रही है। ये सारी है ना बर्फ है।
निकलो भाई पहाड़ों में बर्फ। 6 महीने से ये बर्फ है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट मंथ में अभी सारा कुछ ये यात्रा बंद हो जाएगी, फिर से बर्फ स्टार्ट हो जाएगी, बारिश स्टार्ट हो जाएगी। सब लोग गए हैं आगे आगे, यहाँ पे फ्यूल डलवा दिया और यहाँ पे अभी गाड़ी पार्क होएगी और अभी हम दर्शन करने जाएंगे। सो आपको भी दर्शन करवाएंगे, सो भी कंटिन्यू। गाइस ये पहाड़ देख लो भाई, ये है बद्रीनाथ का लूप यहाँ पे, ये है पार्किंग यहाँ का, हमारी कार पार्किंग यहाँ पे है। इधर सामने ही पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, डीजल फ्यूल डलवाना है। ये सारा पार्किंग है चारों ओर, अभी माउंटेन ही माउंटेन है और बीच में हम लोग हैं। और यहाँ पे देखो हमने क्या किया, जो हमारे टावल थे ना गिल्ले थे तो यहाँ पे डाल दिया है। अभी दर्शन वगैरह करेंगे, तब तक तो थोड़ा बहुत छूट जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कशन के कुशन कुछ बोलते हैं, पिट्ठू बोलते हैं। पालकी अलग होती है, इसको पिट्ठू बोलते हैं, पिट्ठू, क्योंकि ये पीठ के पीछे लेके जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, यहाँ पे आगे मंदिर है तो पहले हम प्रसाद वगैरह लेंगे, बाकी के लोग आएंगे पीछे पीछे। और यहाँ पे भी देखो बर्फ वाला माउंटेन दिख रहा है, ये सारी बर्फ है, क्या नज़ारा है गाइस। आप आना जरूर, आना कभी भी आना, लेकिन आना जरूर एक्सपीरियंस करने के लिए। बहुत ही प्यारा है ये लोग, मेरे लिए तो एकदम बेस्ट एंड बेस्ट प्लेस। और आज है सेकंड डे ऑफ नवरात्रि, और सेकंड डे पे हम आ गए हैं बद्रीनाथ तरफ है। चलते हैं, अभी चलते रहेंगे जब तक मंदिर नहीं आ जाता। ज़्यादा चलने का नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर तक तो जाना ही है। साथ ही साथ यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, प्रसाद वगैरह देख लो भाई, बेंगल प्रसाद बिंदी सब कुछ मिलेगा। ये देखो उत्तराखंड के छोटे छोटे विलेज, बहुत ही प्यारा प्यारा लग रहा है पहाड़ों के बीच में। चलते चलते काफ़ी दूर आ गए हैं, अभी यहाँ पे सब मिलेगा। मेन प्रसाद का जो दुकान होती है, शॉप्स होती है, वो इधर है। यहाँ पे गरम टोपी वगैरह सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे रुद्राक्ष दर्शन करके बैठे अभी। सारी केल बुड़ा बद्रीनाथ बाबा जी आ रहे है यहाँ पे सौ के। बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें मिल रही है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। चारों ओर दुकान है। स्वेटर भी है। ट्रेडिशनल टोपी है, सोल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे हसबैंड जी रुके हैं खरीदी करने के लिए। वाह बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही है। टिंगर दे वाला पीछे वाली पिट्ठू 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 के पिट्ठू प्रसाद इसमें नहीं है। ये क्या है, आयुर्वेदिक सब है। ये शॉपिंग सेंटर है छोटा सा, बहुत ही अच्छा अच्छा। यहाँ प्रसाद चाहे इधर से प्रसाद लेना है हसन। आगे जाएंगे महंगा मिलेगा। ये हाँ हैंडमेड है सारे ये कपड़े ना, ये कपड़े हैंडमेड है, देख के पता चल जाता है ऊन से बनाया है, जो धागा आता है ना उसी से। बहुत ही बढ़िया बढ़िया पर्स है, लेना पड़ेगा एक पर्स मुझे ऐसा लग रहा है, इतना अच्छा ऐसा ये लेना। आई गया
मांगते तो लाए ना, मैं दे नहीं रहा था। ओए बादल, मैं अभी आपको आपको लोड कवर करने के लिए विकास को भेजता हूँ। यहाँ पे सारा दिखा हुआ पर लेना, श्री बद्रीनाथ मंदिर पीछे जाना है सरफ साइड में। अभी हम ये हिल है, हिल डाउन जा रहे हैं, चढ़ने में थोड़ा भारी लगेगा। बहुत सारी चलो चलो आप अभी फिर दूध पिएंगे। हम गाड़ी में, आपकी गाड़ी में गाड़ी है। यहाँ पे कुछ ये फेमस है, क्या है पता नहीं है, दूध है यहाँ है, केचर दाल के भी बनाया है। रेस्टोरेंट है, खाने का भी मिल जाएगा यहाँ पे। चलो भाई नीचे तक आ गई हूँ, अभी मैं थोड़ा चल लेती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू। बस अभी इधर से घूम के घूमते हुए ब्रिज क्रॉस करते हुए अभी मंदिर का रास्ता है इस तरफ, सो वी कंटिन्यू। अभी मैं आपको दर्शन करवाने वाली हूँ। नीचे नदी जा रही है, बहुत पानी का बहाव है और मंदिर का दर्शन अभी थोड़ी देर में मैं करवाऊंगी। इस नदी का नाम क्या है भैया? अलकनंदा, अलकनंदा नदी है ये। यहाँ से अभी प्रसाद ले रहे हैं, दर्शन के लिए। हस्बैंड जी आगे चले गए हैं, मैं हूँ पीछे पीछे, भैया है पीछे। अभी हम इस ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं और ये अलकनंदा नदी है, मैंने ऊपर से दिखाई है। अभी ब्रिज के ऊपर से वापस जितना देखे ना इतना कम है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा क्या बोल। हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो ओ हेलो हेलो, बिजी मत रहो, लाइन में अभी लाइन में खड़े हैं। अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा टर्न आएगा अभी, और पीछे भीड़ देख सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा दिखा देती हूँ और आप लोग भी दर्शन कर लेना अच्छे से, बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गया है। इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं लग रही है आज। ठंड पवन हा रहा है इसका।
ध्यान रखो। चले चले हर 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 ये है मंदिर बद्रीनाथ का। एक्स्ट्रा प्लेट हाँ तो इतने बंदे तो एक पीस खाएंगे ना। चटनी है ना अलग को डुंगरी बुंगरी खाता नहीं। गए सभी छोले भटूरे आ गए हैं। पहाड़ी छोले भटूरे हैं ये सब लोग खा रहे हैं। मैं तो भी बाबू जलेबी खा लेगा। जलेबी लाना है जलेबी। ओय 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 इतनी हवा निकल रही है अभी मत डालो इतना गर्मा गर्म है। फुलका हेलो ये क्या लेके आए? जलेबी जलेबी यहाँ पे फेमस है। यहाँ पे जलेबी ये फेमस है और यहाँ पे ये मिल्क। ये क्या है भैया? दूध है दूध है दूध है। टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। तो अभी तो गर्म है ना। आ कॉम्बिनेशन तो जो करे पैसे तो पेट पैसे खराब नहीं थे। देखा रु तो पेट खराब थे ले बोलो। हेलो 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 बे भाई का खाने हमस खावन हो। हां ऐसे खाना है डबड़ी में। एक करना को गाड़ी में खाएंगे इसको। अभी गर्मा है अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना। चलिए अभी जय श्री बद्रीनाथ जी की जय। जय श्री केदार की जय। जय चामुंडा मां की जय। बोलो बोले बाबा जय। जय बाबा।
हर महादेव हर हर महादेव गणपति बाप्पा मोरिया साईं बाबा मोरिया साईं बाबा की जय जलाम बाबा की जय भोलेनाथ की जय परमानंद भोलेनाथ बाबा की जय कुर्ते निमाने जय हमारी यात्रा ही भोले दादा की है तो फिर घुमा घुमा के भोले दादा को ही लेके आते हैं हम कोई नहीं चलिए भाई हम ही अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से बद्रीनाथ से वापस अभी हम लोग जाएंगे ऋषिकेश सो ऋषिकेश के लिए आपको वेट करना पड़ेगा हाँ यहाँ से अभी हमारा 8 से 9 घंटा 9 घंटा आएगा ना ड्राइवर भाई साहब राउंड फिगर में जी 9 घंटा या 10 घंटा गिन लो रफली 10 गिन लेते हैं क्या क्योंकि हम स्टॉप भी करेंगे हाँ 10 रख लो अभी हाँ क्योंकि बीच बीच में हम ब्रेक भी लेंगे ना तो फिर उस हिसाब से चलेंगे सो कोई नहीं अभी आप अभी पहाड़ियों का लुक देखते रहना और एंजॉय करते रहना तो भाई इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग गई है और यहाँ ऊपर सब लोग काम कर रहे है तो सारे पत्थर नीचे आ गए ये देखो ये जो धुआं आ रहा है ना वहाँ पे वो काम कर रहे हैं अभी वो बंद कर दिया है रास्ता विभाग से जल्दी जल्दी ये रास्ता खोल दे देखो वो वहाँ से दिखेगा अभी ये कंकर आ रहा है नीचे आई होप कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कंकर आ रहा है और बड़े भैया निकल गए गाड़ी से बाहर किधर गए दिख ही नहीं रहे जूमिंग हार उसे देखो भाई ये भैया बंदा देखो कहाँ पे चढ़ गया है ये कितना हार्ड वर्क कर रहा है देखो वो लोग देखो ये माउंटेन के ऊपर ये देखो भाई ये ओ माय गुडनेस जो तीसरा बंदा भी आ गया है लगी है पीछे भी लाइन दिखाओ कितनी लंबी लाइन पीछे लाइन नहीं है दो ही गाड़ी है आवे हाँ उधर तो दो ही गाड़ी दी जा रही है ये यहाँ से चढ़ते हुए इधर तक आ गई है पूरा माउंटेन आप देख सकते हैं इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी एंड दिस इज द रियल ट्रैफिक ऑफ माउंटेन ये लोग अभी कुछ भी नहीं होगा ट्रैफिक जम गई है हमारी बस निकली है जिनका और दूसरी भी पेंडिंग में है बस वहाँ पे ऑयल वर्क